इस दुनिया में यूं तो कई जहरीले जीव पाए जाते हैं, लेकिन इनमें इंसानों और दूसरे जीवों को जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं वो है सांप, क्योंकि इनके काटने पर इंसानों के पास इतना समय भी नहीं होता कि वो पानी तो दूर की बात है, हवा भी मांग सके। दुनिया भर के कुछ जहरीले सांप ऐसे टॉक्सिन का इस्तेमाल करते हैं जो किसी भी जीव को महज कुछ ही मिनटों में मौत की नींद सुला देते हैं। तो आइए आज के हमारे इस वीडियो में हम जानते हैं दुनिया के कुछ बेहद ही जहरीले सांपों के बारे में। साथ ही हम जानेंगे कि ये सांप आखिर अपना जहर कैसे निकालते हैं और इनके जहर का किस तरह से कई तरह की दवाइयों को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि ये काफी दिलचस्प होने वाला है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस धरती पर सांपों की लगभग 2500 से 3000 प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें सिर्फ 500 से 600 प्रजातियों को ही सबसे जहरीले सांपों के रूप में जाना जाता है। तो इस वीडियो की शुरुआत में आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन से ऐसे सांप है जिन्हें दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक माना जाता है। ब्लैक मांबा, अफ्रीका का सबसे जहरीला और जानलेवा सांप, जिसे ब्लैक मांबा के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिक भाषा में इसे डेंड्रोएस्पिस पॉलीलेप्सिस कहते हैं। करीब 8 फीट लंबा और लगभग 19 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागने में सक्षम ब्लैक मांबा इतना जहरीला होता है कि इसके सिर्फ 2 बूंद जहर से ही किसी इंसान की मौत हो सकती है। अगर सही समय पर इलाज ना मिले तो इसका जहर शरीर में जाते ही नर्वस सिस्टम और मांसपेशियों को पूरी तरह से निष्क्रिय कर देता है, जिसकी वजह से इंसान लकवाग्रस्त हो जाता है। इतना ही नहीं, इसका जहर कार्डियोटॉक्सिक होता है, जिससे दिल का दौरा पड़ता है। कभी कभी इलाज मिल जाने के बावजूद भी इसका जहर पूरी तरह से खत्म नहीं होता और इंसान की कुछ ही दिनों में मौत हो जाती है। फर्डीलैंड्स, आमतौर पर मध्य और दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले फर्डीलैंड्स जब किसी इंसान को काटते हैं तो इनका जहर शरीर में घुसते ही इंसान के शरीर को काला करना शुरू कर देता है। मध्य अमेरिका में सांपों के काटने के आधे मामले इनके ही होते हैं। इसके जहर में एंटीकोगुलेंट होता है, जिससे खून जमता नहीं है। इनके काटने से इंसान को हेमरेज होने की पूरी आशंका होती है। बूमस्लैंग, आम तौर पर अफ्रीका के स्वाजीलैंड, बोत्सवाना, नामीबिया, मोजाम्बिक और जिम्बाब्वे में पाए जाने वाले बूमस्लैंग सांप को साउथ अफ्रीकन ग्रीन ट्री स्नेक के नाम से भी जाना जाता है। इनका जहर हीमोटॉक्सिक होता है और ये इतने जहरीले होते हैं कि अगर इनका एक बच्चा भी किसी इंसान को काट ले तो अगले 24 घंटों में उसकी आँख, फेफड़ा, किडनी, दिल और ब्रेन से ब्लीडिंग चालू हो जाती है। इनके जहर से इंसान के शरीर के अंदर और बाहर खून का बहना शुरू हो जाता है। यहाँ तक शरीर के सभी छिद्रों से भी खून की धार बहने लगती है। रसल वाइपर, भारत में रसल वाइपर की वजह से हर साल करीब 58,000 लोगों की मौत होती है। ये ट्रू वाइपर सांपों की सबसे खतरनाक प्रजाति है। इनका जहर इतना खतरनाक होता है कि इनके काटने से इंसान की किडनी फेल हो जाती है, साथ ही बड़े पैमाने पर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। इतना ही नहीं, इंसान के कई अंग एक साथ ही काम करना बंद कर देते हैं। मतलब साफ है कि इनके काटने से इंसान के बचने के चांसेस नहीं के बराबर होते हैं। सौ स्केल वाइपर, भारत में मौजूद 4 बड़े वाइपर सांपों में से सौ स्केल्ड वाइपर आकार में सबसे छोटे होते हैं, लेकिन जहरीला होने के मामले में ये रसल वाइपर, क्रेट और कोबरा को भी टक्कर देते हैं, यानी कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका। इनके डसने पर घाव वाला स्थान पूरी तरह से सूज जाता है और भयानक दर्द होता है, जिसकी वजह से शरीर के अंदर खून का बहाव होने लगता है और किडनी पूरी तरह से काम करना बंद कर देती है। ऐसे में कुल मिलाकर कहा जाए तो इनके काटे इंसान को अगर 1 से 2 घंटों के अंदर एंटी वेनम दे दिया जाए तो बचने की कुछ उम्मीद होती है, वरना इंसान का राम नाम सत्य होना बिल्कुल तय होता है। बैंडेड क्रेट, बैंडेड क्रेट यानी बंगरस फैशिएटिस एक धीमी रफ्तार में चलने वाला सांप है जो आमतौर पर अंधेरे में काटता है। बैंडेड क्रेट अगर किसी इंसान को काट लेता है तो ऐसे में उस इंसान की मांसपेशियां लकवाग्रस्त हो जाती है और शरीर का डायफ्राम काम करना बंद कर देता है। यही कारण है कि इस सांप के काटने के बाद इंसान के फेफड़ों में हवा जानी बंद हो जाती है, जिसकी वजह से आदमी की सांस फूलने लगती है और उसकी मौत हो जाती है। किंग कोबरा, किंग कोबरा को दुनिया का सबसे लंबा और जहरीला सांप माना जाता है। इनकी लंबाई करीब 18 फीट तक हो सकती है और इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि ये अपने टारगेट को 300 फीट दूर से ही देखने की ताकत रखते हैं। ये इतने खतरनाक होते हैं कि एक बाइट में ही अपने शिकार के शरीर में करीब 7 मिलीलीटर का जहर छोड़ देते हैं। यही वजह है कि इनके सिर्फ एक बाइट में ही महज 15 मिनट के अंदर एक एडल्ट हाथी तक की मौत हो सकती है।
ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये किसी इंसान को काट ले तो उसकी क्या हालत करेगा। कोस्टल टाइपेन। कोस्टल टाइपेन नामक सांप बहुत ही तेजी से काटकर भागने के लिए जाने जाते हैं और ये अपने शिकार को अपना निशाना बनाकर इतनी तेजी से गायब हो जाते हैं कि इन्हें देख पाना भी काफी मुश्किल हो जाता है। ये सांप इतने खतरनाक और शातिर होते हैं कि अपने शिकार के ऊपर उछलकर इस तरह से अटैक करते हैं कि इनके वार से बच पाना बिल्कुल नामुमकिन होता है। हालांकि इनके जहर से हमेशा ही इंसानों की मौत नहीं होती, लेकिन अगर जहर की मात्रा अधिक हो और समय पर इलाज ना मिल पाए तो मौत भी हो जाती है। आइए अब हम सब इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि सांप आखिर अपने जहर को कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते चले कि कई लोगों का ऐसा मानना होता है कि सांपों का जहर उसके दांतों में होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल सांपों के दाहिनी आंख के पास एक ग्रंथि होती है जिसमें इनका जहर भरा हुआ होता है, और जब ये अपने शिकार को काटने या किसी खतरे से खुद का बचाव करने के लिए अपने जबड़े को खोलते हैं तो इनके विष वाली ग्रंथि के ऊपर दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से ग्रंथि में भरा हुआ जहर धमनियों के रास्ते से होते हुए सीधे इनके दांत तक पहुंच जाता है। और यही कारण है कि जब ये किसी भी जीव को काटते हैं तो इनके दांतों से निकलने वाला जहर इंसान के शरीर में एंटर कर जाता है। तो दोस्तों अब इस बात को तो हम जान चुके हैं कि आखिर सांप अपने जहर को प्राकृतिक रूप से कैसे निकालते हैं, लेकिन आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि आर्टिफिशियल तरीके से भी इनके जहर को बड़े पैमाने पर निकाला जाता है। लेकिन इन बातों को सुनकर आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर कोई इंसान आर्टिफिशियल तरीके से सांपों का जहर कैसे निकाल सकता है। तो आपको बताते चले कि इनका जहर निकालने के लिए सबसे पहले बड़े पैमाने पर इनको पाला जाता है। इसके लिए सांपों को उनके अनुकूल वातावरण में रखने के साथ साथ उनके पसंदीदा भोजन पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके साथ ही समय समय पर इनके कई तरह के शारीरिक टेस्ट किए जाते हैं और इनकी देखरेख का सचमुच ध्यान रखा जाता है। इसके बाद जब जहर निकालने की बारी आती है तो ऐसे में बेहद ही सुरक्षित तरीके से इनके जहर को निकाला जाता है। हालांकि ये काम हर किसी के बस की बात नहीं होती है। इसके लिए सबसे पहले जो इंसान सांपों का जहर निकालता है उसे पूरी तरह से प्रशिक्षित किया जाता है, और जब वह प्रशिक्षण में पूरी तरह से एक्सपर्ट हो जाता है तो उसे आर्टिफिशियल तरीके से सांप का जहर निकालने की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। इसके लिए सबसे पहले एक खास तरह की स्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी मदद से सांप को उसके बॉक्स से बाहर निकाला जाता है, और फिर स्टिक की मदद से उसके मुंह को पकड़कर एक छोटे से कंटेनर के ऊपर उसे काटने की पोजीशन में रखा जाता है। इसके बाद जब सांप इस कंटेनर को काटने के लिए अपने जबड़े के ऊपर दबाव डालता है तो उसी समय उंगलियों की मदद से उसके जबड़े के ऊपरी हिस्से पर हल्का दबाव डाला जाता है, जिससे इनकी ग्रंथि में भरा जहर दबाव की वजह से दांतों के रास्ते होते हुए कंटेनर के अंदर स्टोर हो जाता है। इसके बाद बड़ी ही सावधानी से सांप को वापस उसके बॉक्स के अंदर छोड़ दिया जाता है और कंटेनर में स्टोर किए गए जहर को दवाई के रूप में इस्तेमाल करने के लिए आगे भेज दिया जाता है। और वीडियो के अंत में अब आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इन बेहद ही जहरीले सांपों के जहर का इस्तेमाल आखिर दवाई बनाने में कैसे किया जाता है। आपने वह बात तो जरूर सुनी होगी कि लोहे को लोहा ही काटता है, ठीक इसी तर्ज पर जहर को भी सिर्फ जहर ही काटता है। यही कारण है कि इन बेहद ही जहरीले सांपों के जहर से ही सांप के काटने का इलाज किया जाता है। अगर विशेषज्ञों की माने तो पूरी दुनिया में हर साल करीब 54 लाख लोग जहरीले सांपों का शिकार बनते हैं, जिनमें लगभग 80,000 से लेकर 1,38,000 लोग मौत की आगोश में समा जाते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स की वजह से आज की तारीख में सांपों के जहर का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर दवाइयां बनाने में किया जाता है। यही कारण है कि मौजूद समय में जब भी जहरीला सांप किसी इंसान को अपना शिकार बनाता है तो उसके शरीर में फैलने वाले जहर का सिर्फ एक ही इलाज होता है, जिसका नाम है एंटी स्नेक वेनम सीरम। इतना ही नहीं, सांपों के जहर का इस्तेमाल और भी कई तरह की दूसरी बीमारियों की दवाइयों को बनाने के लिए भी किया जाता है। ये दवाइयाँ नर्वस सिस्टम, हार्ट और रक्त कोशिकाओं से जुड़ी कई तरह की बीमारियों के इलाज में पूरी तरह से कारगर साबित होती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके।